बीए पाठ थर्ड समाजशास्त्र प्रश्न प्रथम प्रश्न पत्र में कलम मैक्स वेबर की नौकरशाही के अवधारणा की व्याख्या कर रहे थे, जिसमें हमने देखा कि बड़े पैमाने पर प्रशासन का कार्य संचालित करने के लिए जो संबंधित असमान होते हैं या जिनके अलग अलग पद और परिस्थिति होती है, उनके कार्यों का समन्वय किया जाता है, उनमें तालमेल बिठाया जाता है। कल हम इसकी विशेषताओं की चर्चा कर रहे थे, तो उससे आगे हम देखेंगे कि भर्ती की पद्धति, अर्थात इसमें प्रतियोगी परीक्षा के आधार पे, साक्षात्कार के आधार पे लोगों का चयन किया जाता है, न कि किसी व्यक्ति विशेष की इच्छा और मनमानी से, और कई पद स्थायी नहीं होते जो संविदा के आधार पे भरे जाते हैं। अगला इसमें माना गया संस्तरण, इसका मतलब जो पद होते हैं नौकरशाही में उनमें उच्चता और निम्नता के आधार पे एक सोपान पाया जाता है, क्रम पाया जाता है। जैसे ऊपर के अधिकारी नीचे के कर्मचारी, ऊपर के अधिकारी आदेश देते हैं, नीचे के कर्मचारी आदेशों का पालन करते हैं, और उच्च अधिकारियों को कोई शिकायत होती है कर्मचारी की या अधिकारी की, वो कर सकता है, और सभी पद आपस में जुड़े हुए होते हैं। जैसे एक मस्जिद होती है, नीचे से उसका आधार चौड़ा होता है और ऊपर से वो एक तरीके से गुंबद एक सकड़ा होता है, वैसे ही अगर हम जिले की बात करें तो नीचे के कर्मचारी तो 10-15 हजार हो सकते हैं, पर जिले में कलेक्टर एक ही होता है। तो इनमें क्या है कि एक तरीके से संस्तरण या उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। नौकरशाही में जो भी काम किया जाता है दफ्तरों में, वो लिखित दस्तावेजों के आधार पर किया जाता है। कागजों को सुरक्षित रखने के लिए फाइलें बनाई जाती है और विभिन्न विषयों से संबंधित अलग अलग फाइलें बनाई जाती है। प्रशिक्षण, नौकरशाही में जो काम किया जाता है वो जटिल और विशेषीकृत होता है, हर कोई आदमी नहीं कर सकता, तो इसको करने के लिए अधिकारी और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। एक इसमें माना गया कि पदों के एकाधिकार का अभाव, अर्थात नौकरशाही में व्यक्ति जिस पद पर आसीन होता है या काम करता है वो उसका एकाधिकार नहीं होता, जरूरत के अनुसार अधिकारियों का तबादला भी हो जाता है, स्थानांतरण भी हो जाता है, और अगर वो दक्षता से कार्य करता है तो उसकी पदोन्नति होती है, और अगर वो कार्यों और नियमों की अवहेलना करते हैं तो उसकी पदावनति या उसका डिमोशन भी हो सकता है। नौकरशाही व्यवस्था में अधिकारियों की एक विशेष स्थिति होती है, तो इसमें पहला तो यह है कि ये काम दफ्तर का उस व्यक्ति के लिए पैसे की तरह होता है, इसके लिए वो प्रशिक्षण प्राप्त करता है, प्रतियोगिता परीक्षाओं में बैठता है और कार्य के प्रति ईमानदार होता है। दूसरा, जो व्यक्ति नौकरशाही में पद पर आसीन होता है उसको दूसरे लोगों की तुलना में ऊंची प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, ये नीचे के कर्मचारियों की नियुक्ति करते हैं, इनका पद स्थायी होता है, इनको हर माह वेतन दिया जाता है, पदोन्नति की व्यवस्था होती है, और इसमें क्या है कि पद में एक तरीके से सुरक्षा भी होती है, ये व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र होते हैं और एक संविदा या समझौते के आधार पर नियुक्त किए जाते हैं, अव्यक्तिक नियमों के अनुसार सत्ता का प्रयोग करते हैं और जो भी उनके दायित्व है उसका निष्ठा के आधार पर पालन करते हैं। नियुक्ति तथा पद पर आसीनता उसकी तकनीकी योग्यता पर निर्भर करती है कि कुशलता कितनी है, उसका प्रशासकीय जो प्रशासकीय कार्यकाल होता है वो पूर्णकालिक होता है, मतलब वो पूरे समय के लिए कर्मचारी होता है, और काम के बदले में उसको हर महीने वेतन दिया जाता है, वेतन वृद्धि और पदोन्नति दी जाती है, और उनको आर्थिक सुरक्षा के लिए भविष्य निधि की व्यवस्था होती है, वृद्धावस्था पेंशन और ये सब उसको दिए जाते हैं, पदोन्नति के अवसर दिए जाते हैं, जिस पद पर नियुक्त होता है उसी पद से सेवानिवृत्त नहीं होता, पदोन्नति जरूर मिलती है। नौकरशाही व्यवस्था में
वरिष्ठ अधिकारी का यह दायित्व तो होता है कि नीचे के कर्मचारियों में तालमेल बिठाए और जो काम नहीं करता उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करे। और एक इसके अंतर्गत ये माना गया कि नौकरशाही में कर्मचारियों की नियुक्ति पूरे समय के लिए होती है। उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वो अपना जो कार्यालय में काम करते हैं उसके अलावा कोई दूसरा व्यवसाय नहीं करेंगे, दूसरा व्यापार नहीं करेंगे या और कोई सहायक या साइड में एक तरीके से कोई दूसरा कार्य वो नहीं करेंगे।